हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेंज। सबसे पहले पाइथन की आईडी को ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल ले लिया हमने। अब यहां पर कुछ कोड मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। रेंज जो डेटा टाइप है उसको समझने के लिए मैं यहां पर लिखता हूं आर इज इक्वल टू रेंज, ठीक है। यहां पर रेंज लगा दी हमने। डेटा टाइप क्या है? रेंज है। कैसे पता डेटा टाइप रेंज है? यहां पर 10 लिखता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। अब यहां पे इसको प्रिंट करवा देता हूं और पहले तो इसका डेटा टाइप पता कर लेते हैं। आपको पता है कि हम डेटा टाइप कैसे पता करते हैं? यहां प्रिंट लिखा, फिर लिखा हमने टाइप। टाइप की मदद से हम डेटा टाइप पता कर सकते हैं। और हमने क्या लिया है? हमने लिया है वेरिएबल आर। तो आर यहां लिखा और इसको फिर क्लोज किया और अब ये डेटा टाइप हमें बताएगा। कैसे बताएगा, आइए देख लेते हैं। यहां से इसको सेव करता हूं, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं। R A N G E range dot py के नाम से इसे सेव कर लेता हूं, ठीक है। ये कर लिया हमने सेव। अब यहां से रन पे क्लिक करना है और यहां से मॉड्यूल पे क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं यहां पे डेटा टाइप क्या आ रहा है, क्लास रेंज आ रही है, यानी डेटा टाइप हमारा क्या है? रेंज है। चलिए इतना तो क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें डेटा टाइप ना पता करना हो, सिर्फ ये रेंज जो हमने लगाया है, फंक्शन रेंज जो हमने डेटा टाइप लगाया है, इसकी इससे क्या हो रहा है ये पता करना हो तो क्या करेंगे? यहां पर पहले इसको हटा देता हूं। ये हमने प्रिंट करवा दिया आर को और अब इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस प्रेस करके और यहां से अब इसको रन करवा देते हैं। तो इसको रन करवाया तो सेम जो ये लिखा हुआ है वही लिखा हुआ हमारे पास आ रहा है, रेंज और 0 to 10, ठीक है। इसके बीच की वैल्यूज जो है वो हमें प्रिंट करवानी है, तो कैसे प्रिंट करवाएंगे उसको भी आइए देख लेते हैं। तो उसको प्रिंट करवाने के लिए हमें करना क्या होगा? उसको प्रिंट करवाने के लिए हमें एक लूप लगाना होगा जो कि फॉर लूप होगा, ठीक है। कैसे लगाएंगे उस लूप को, एक बार इसको देख लेते हैं हम। यहां पर क्या करता हूं, मैं एंटर प्रेस करता हूं, नीचे आ जाता हूं। यहां पर हम लगाएंगे फॉर लूप, ठीक है। ये जो हमने प्रिंट करवाया ठीक इसी के ऊपर, यहां पे नीचे हमें प्रिंट करवाना है, यहां पे फॉर लूप लगा लेते हैं। ये फॉर लगा लिया हमने और आप तो जानते हैं कि इसमें कोई ब्रैकेट नहीं लगता है। और एक वेरिएबल और बना लेता हूं ए नाम से, ठीक है। फॉर ए इन पर क्या किया हमने, कोलन लगा दिया, ठीक है। और अब हम आर को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से अगर इसको रन करवाता हूं मैं, एरर आ रही है यहां पे, इसको इंटेंडेशन एरर है, तो इसको यहां पे शिफ्ट कर लेंगे इधर की तरफ। अब इसको सेव करता हूं और रन करता हूं यहां से। अब ये देख सकते हैं ये पूरा का पूरा वही प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब हमें इसको सही करना है, तो सही कैसे करेंगे हम, आइए देख लेते हैं उसको। तो ये जब R की वैल्यू आप प्रिंट करेंगे ये तो सेम यही रिजल्ट तो आएगा, सेम ये 0 to 10 लिखा हुआ आ जाएगा, रेंज 0 to 10, ठीक है, क्योंकि R में तो यही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर X जो वेरिएबल A जो वेरिएबल बनाया उसको प्रिंट करना है, तो A को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे A लिख देंगे, ठीक है, और यहां से इसको कर देंगे सेव, ठीक है। और यहां से रन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही रन पर क्लिक करेंगे तो 1 to 9, 0 to 9, ठीक है, हमने 10 दिया है तो 0 to 9 आ गया, ठीक है। अब अगर हम यहां पर कुछ और देते, जैसे मान लीजिए यहां पर हम दे देते 12, 13, 14, कुछ भी दे देते, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कर देता हूं 11, ठीक है, तो 0 to 10 प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। यहां पे देखिए कैसे 0 to 10 प्रिंट होकर आएगा, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं। यहां से रन किया तो यहां पे देखिए 0 to 10 आ रहा है, यानी कुल मिला के 11 वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं इसके बीच की, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ काम करेगा रेंज हमारा जो डेटा टाइप है, ठीक है। हम 100 रख देते हैं तो 99 तक यहां प्रिंट होकर आएगा। कैसे, यहां पे देख सकते हैं आप, ये मैं इसको अगर रन करवाता हूं तो ये कुल मिलाकर 99 वैल्यूज प्रिंट होगी। देखिए यहाँ पे 99 वैल्यूज प्रिंट होकर आ रही है, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट होगा और कुल मिलाकर 99, क्योंकि 100 लिया है तो जीरो भी तो काउंट होगा, तो इस तरह से ये 99 प्रिंट होकर आ रहा है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 100 लिखा हमने, अगर मैं 10 भी लिखता हूं तो सेम वही चीज कि 0 to 9 प्रिंट होकर आएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अगर रन करता हूं इसे मैं, तो ये देखिए 0 to 9 प्रिंट होकर आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जीरो नहीं चाहिए। तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, अगर हमें जीरो नहीं चाहिए तो यहां पर लिख सकते हैं हम 1, 10, ठीक है। हमने क्या लिखा, 1, 10,
10। अब यहां पर इसको हम रन करवा देते हैं, पहले सेव कर लेता हूं फिर इसको रन करवा देता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं 1 टू 9 प्रिंट होकर आ रहा है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम 10 तक लेके आना चाहते हैं इसको, 1 टू 10 तक आए। ये कैसे होगा, हमें क्या करना होगा, ये बिगिन है, यहां से शुरुआत हो रही है 1 से, और ये 10, हम चाहते हैं 10 भी प्रिंट होकर आए, तो हमें यहां क्या लिखना होगा, 11 लिखना होगा। देखिए अगर मैं 11 लिखता हूं तो 1 टू 10 प्रिंट होकर आएगा। इसको सेव करता हूं और फिर रन करवा देता हूं यहां से। तो अब देखिए यहां पर देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 भी प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। तो हमने लिया 11 तक, तब ये 10 प्रिंट होकर आ रहा है यहां पर, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। इसके पहले हम यहां पर सिर्फ क्या लिख देते थे, जैसे मान लीजिए यहां पर लिख देते थे 10, यानी कि एक ही पॉइंट देते थे, और ये हमारा 0 से स्टार्ट करता था और 9 तक प्रिंट करके, अगर 10 लिखते हैं तो 9 तक प्रिंट करेगा, 100 लिखेंगे तो 99 तक प्रिंट करेगा, ये इस तरह से प्रिंट होकर आता था। लेकिन अब हम इसमें तीन आर्गुमेंट पास करेंगे, इसके पहले हम ऐसे भी पास करते थे, ये दो आर्गुमेंट भी पास करते थे, 10 टू 20 है तो यानी कि 10 से स्टार्ट होगा और 19 तक प्रिंट होगा। देखिए कैसे ये प्रिंट हो रहा है 19 तक, 10 से स्टार्ट हो रहा है 19 तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब हम तीन आर्गुमेंट इसमें पास करेंगे, कैसे पास करेंगे आइए देखते हैं, तीन वैल्यूज हम कैसे लेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हमने जो लिया है, यहां पर मैं क्या करता हूं, अब तीसरी जो वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकती है, कैसे होगी आइए देखते हैं। यहां पर 10 है और 20 है, यहां पर इंक्रीमेंट कर रहा हूं 1, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं, यहां से सेव करता हूं और फिर इसको प्रिंट करवाता हूं, ठीक है। तो ये प्रिंट करवाया तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 19 तक प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। यहां पे 20 लिखा है और फिर 1 लिखा है, लेकिन ये प्रिंट होकर आ रहा है 19 तक ही, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 10 11 12 13 14 ऐसे करके ये प्रिंट होकर आ रहा है। हम इसमें क्या करते हैं, अब 2 का इंक्रीमेंट करते हैं, 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, 10 है, 10 के बाद 11 प्रिंट होकर आ रहा था, 12 13 14, तो अब दो दो का इंक्रीमेंट होगा, 12 14 16 18 20 ऐसे करके प्रिंट होकर आएगा। तो यहां पे 2 का इंक्रीमेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां 2 कर दिया हमने। अब इसको सेव कर रहा हूं, ठीक है, सेव किया हमने और यहां से रन पे क्लिक करता हूं, तो ये देख सकते हैं 10 के बाद 12 14 16 18 तक प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से 2 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे फ्रेंड्स अब देखते हैं कि अगर हम 3 इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या आएगा, करते हैं तो 3 की बात बता रहा हूं। तो यहां पर आइए चलिए देख लेते हैं इसका क्या प्रूफ है, कैसे पता चले कि यही होगा। तो यहां पे 3 कर दिया है हमने, ठीक है, रेंज जो हमने डेटा टाइप लिया है वहां पर देखिए, और रेंज के बाद ब्रैकेट लगा के 10 20 और 3 कर दिया। अब इसको रन करवाता हूं देखते क्या होता है। तो यहां पर रन करवा दिया, 10 के बाद 13 13 के बाद 16 ऐसे करके ये प्रिंट होकर आ रहा है, आप देख सकते हैं। अगर यहां पे 1 अगर मैं कर देता हूं, ये देखिए ये 1 कर दिया, और यहां पे कर देता हूं, ठीक है, और यहां पे कर देता हूं 3। तो अब देखिए ये कैसे प्रिंट होकर आएगा, ये हमने सेव किया और यहां से अब इसको रन करवाता हूं, ठीक है। तो ये रन करवाया तो 1 के बाद 4 4 के बाद 7 7 के बाद 10 10 के बाद 13 13 के बाद 16 फिर 19 इस तरह से प्रिंट होकर ये आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा, तो यहां पर 4 के बजाय आ जाना चाहिए 5, ठीक है, 5, और यहां पे 7 है तो यहां पर 8 आ जाना चाहिए, ठीक है, और यहां पे 10 है तो यहां पर 11 हो जाना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं क्या ऐसा सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं कर देता हूं 4, यहां पे देखिए यहां पर कर्सर को रखता हूं और यहां पे कर देता हूं 4 4 कर दिया हमने। अब इसको सेव कर रहा हूं, ठीक है, यहां से किया सेव और यहां से अब रन करने जा रहा हूं मैं। चलिए आइए देखते हैं, तो यहां पे देख सकते हैं यहां पर 1 के बाद आ गया 5 और 5 के बाद आ गया 9, सॉरी यहां पे 8 नहीं बल्कि 9 आएगा, 4 4 का इंक्रीमेंट होगा तो 9 आएगा, ठीक है। एक बार फिर से इसको चलाता हूं, तो ये देख सकते हैं 1 के बाद 5 5 के बाद 9 9 के बाद 13, ठीक है, और 13 के बाद 17, ये 5 5 का 4 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे 1 के बाद 2 3 4 5, ठीक है, 5 के बाद 6 7 8 9 और 9 के बाद 10 11 12 13 13 के बाद 14 15 16 17, तो ये 4 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहां पे 5 कर देता हूं, यहां पे देखिए ये 5 का इंक्रीमेंट कर रहा हूं, अगर 5 कर देता हूं तो ये 5 5 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, कैसे होगा ये देखिए, यहां पर 5 इंक्रीमेंट होगा, ये देखिए 1 6 11 16, तो ये 5 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है,
ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगर हम इसको रन करवाएं तो क्या, अभी यहां पे 5 दिया है हमने, तो 1 के बाद 2 3 4 5 6 ठीक है, फिर 7 8 9 10 ऐसे करके आएगा, तो क्या 20 के बाद भी आएगा? चलिए ये देखते हैं। हमने रन करवाया था 20 के बाद, तो नहीं आएगा, 16 तक आएगा, क्योंकि 20 के बाद वाला जो है यहां पे वैल्यू जो लिखी हुई है 20, इसके बाद जो है रेंज में तो है नहीं, क्योंकि 20 ही हमारे रेंज में है, इस वजह से 20 तक ही ये प्रिंट होकर आएगा। चलिए, क्या डिक्रीमेंट भी पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, उसी की बात करेंगे। तो चलिए उसको भी देख ही लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं, अब घटाना है हमें, डिक्रीमेंट करना है, तो थोड़ी सी चेंजिंग इसमें करनी होगी। यहां पर 5 ही रहने देता हूं और इसको कर देता हूं 1, ठीक है, और यहां पे कर देता हूं 20, क्योंकि 20 से स्टार्ट होगा और फिर डिक्रीमेंट होता जाएगा 1 तक, पूरा डिक्रीमेंट होगा ये, यहां पे 25 कर देता हूं और 5 का डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। यहां पे कितने कितने का डिक्रीमेंट होगा, 5 का, तो यहां पर माइनस लगा दीजिए आप, नहीं तो इंक्रीमेंट होने लगेगा ये और हमारा जो प्रोग्राम है वो सही से नहीं चलेगा। अब यहां पे कमेंट लगा के बताता हूं आपको क्या क्या प्रिंट होगा। देखिए 25 है, 5 माइनस होगा तो क्या प्रिंट होगा, मैं एक बार रन भी करा देता हूं, ठीक है, यहां से रन करवा दिया हमने। 25 है, 5 माइनस हुआ, 25 तो प्रिंट हो गया, 5 माइनस हुआ 20 प्रिंट हुआ, 5 माइनस हुआ 15 प्रिंट हुआ, और 5 माइनस हुआ 10 प्रिंट हुआ, और 5 प्रिंट हुआ, इस तरह से ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो 25 भी प्रिंट होगा, ये बात याद रखिए। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, 25, फिर क्या प्रिंट हुआ, 20, फिर क्या प्रिंट हुआ, 15, फिर क्या प्रिंट हुआ, ऐसे करके ये प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। तो 5 टाइम हमें डिक्रीमेंट करना है, ठीक है, तो एक बार फिर इसको रन करवाता हूं, ये देख सकते हैं ये 5 टाइम डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये 25 20 15 10 और 5 तक डिक्रीमेंट होगा ये, ठीक है, कुल मिलाकर 5 बार, तो ये 15 हो गया, फिर यहां 10 होगा और फिर यहां हो जाएगा 5, तो ये इस तरह से डिक्रीमेंट होगा। देखिए हमने जो प्रोग्राम बनाया था, जो चलाया था, वो कुछ इस तरह से चला है, 5 तक ये डिक्रीमेंट हुआ है। तो उम्मीद करता हूं ये डिक्रीमेंट वाली भी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर हम माइनस 2 करेंगे तो 25 माइनस 2 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 23, ठीक है, फिर 2 माइनस हो जाएगा तो फिर ऐसे 21 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ऐसे करके फिर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ये प्रिंट होगा। तो इसको एक बार सेव करता हूं और फिर एक बार रन करवाता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं ये 25 है, फिर 23 हो जा रहा है, फिर 21 हो जा रहा है, फिर 19, फिर 17, फिर 15, फिर 13, ऐसे करके दो दो करके डिक्रीमेंट होता चला जा रहा है। तो ये डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट दोनों आप करा सकते हैं, 3 वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। आर होगा, ठीक है, और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और यहां पर R0, ठीक है, R0 में जो स्टोर होगा वो क्या स्टोर होगा, R0 पे स्टोर होगा 1, ठीक है, यहां पे 1 आएगा, फिर R1 आएगा, ठीक है, R अगर यहां पे मैं करता हूं 1, तो R1 पे क्या आएगा, R1 पे आएगा 2, ठीक है। इसी तरह से R2 की बात करेंगे तो R2 यहां पे कर देंगे, तो R2 पर क्या स्टोर होगा, R2 कर दिया हमने, R2 पे 3 स्टोर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से करके ये स्टोर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये स्टोर कैसे हो रहा है, कैसे हम ये रेंज जो डेटा टाइप है उसको कैसे यूज करते हैं, काम क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।